दोस्तों मुबारक हो, आज इतिहास का फिर से वो सबसे ज्यादा मनहूस दिन आ गया है, सबसे ज्यादा काला दिन आ गया है, जिस दिन 10th का और 12th का एग्जाम रिजल्ट आता है और हर किसी की लाइफ बर्बाद हो जाती है, चाहे उसके नंबर ज्यादा आए हो चाहे उसके नंबर कम आए हो। आज भी आपने देखा होगा कि आपके सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म है, हर जगह पे मेरे भतीजे के इतने नंबर आए, मेरे बहन के इतने नंबर आए, मेरे भाई के इतने नंबर आए, वाह कॉन्ग्रेट्स, प्राउड ऑफ यू, और ये वो फलाना ढिकाना, तूने हमारे खानदान का नाम रोशन कर दिया, ये विश ब्रिलियंट फ्यूचर अहेड और ये वो। बट जिनके नहीं आए हैं उनका क्या, उनकी भी लाइफ बर्बाद हुई है और इनकी भी लाइफ बर्बाद हुई है। अब देखो तुम लोग बोलोगे कि नहीं, जिसके नंबर आए हैं उसकी तो लाइफ बन गई, बट जिसके नंबर नहीं आए हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो गई। ऐसा सच में होता है क्या? क्या सच में आपके इतने अच्छे नंबर आए थे, या सच में जो जितने भी लोग आज कामयाब है केवल उनके 10th में या 12th में बहुत अच्छे नंबर आए थे? नहीं हुआ ना ऐसा। ठीक है, हम लोग बहुत सारे लोगों ने ऐसे मतलब एग्जाम्पल सेट किए हैं कि मतलब बिना इसके भी कामयाब होया जा सकता है, और कुछ ऐसे भी कुछ लोगों ने ऐसे भी एग्जाम्पल सेट किए हैं कि बहुत अच्छे नंबर लाके भी नाकामयाब हुआ जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये जो ये मार्क्स वाला फंडा है ना, जो ये आज के दिन की शुभकामनाएं है, ये कहीं भी एग्जिस्ट करती नहीं है। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं, जिनके अच्छे नंबर आए हैं उनकी लाइफ में मैं बताऊंगा बाद में कि कैसे खराब हुई है, ठीक है, पर जिनके बुरे नंबर आए हैं उनकी कैसे खराब हो गई है। देखो यार, हमारे माँ बाप ने, ठीक है, हम पे पूरा प्रेशर बनाया है, ठीक है, पूरा मतलब कि टीवी बंद, क्रिकेट बंद, दोस्त बंद, यार बंद, फोन बंद, सब कुछ बंद। हमने बहुत मेहनत करी है, ठीक है, और उसके बाद भी किसी वजह से, चाहे वो मेंटल प्रेशर हो या फिर हम उतनी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए, चाहे जो भी कुछ हुआ हो, ठीक है, उसमें किसी वजह से हम अगर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा? अब हमें पूरे हर जगह पे कॉन्फिडेंस हमारा लूज कर दिया जाएगा, ठीक है, हमारा हर माँ बापा जितना भी है, उसके बच्चे जितने भी है मोहल्ले पड़ोस में, सबके सब हमें गंदी नजरों से देखेंगे कि हमने तो कभी जिंदगी में कुछ करा ही नहीं है, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते थे, आवारा साला खेलता रहता था। अरे यार, जितने भी बड़े सेलिब्रिटी हुए हैं कि उनके नंबर हमेशा ज्यादा आए क्या? तुम्हें क्या लगता होगा विराट कोहली मतलब टॉपर था स्कूल का, सचिन तेंदुलकर टॉपर था, ठीक है, या दूसरे जो, यार ठीक है यार, उसको अगर उससे नहीं हुई पढ़ाई का मतलब क्या होता है, मतलब कि पढ़ाई उसने करी नहीं, ठीक है, ही वॉज नॉट फोकस्ड एट ऑल। हर किसी आदमी को अलग तरीके से बनाया है भगवान ने, फिजिकली भी अलग बनाया है, मेंटली भी अलग बनाया है, बट हमने क्या कर रखा है, एक ही मापदंड रख रखा है कि हाँ भाई इसे इससे ही तोलेंगे, तो ये गलत है। अब जिनके जो मतलब के जिनके नंबर कम आ गए हैं उनको ये बताया जाएगा जिंदगी भर कि अब तू कुछ नहीं कर सकता, वो बेचारे नेगेटिव हो जाएंगे, अब फिर वो कहते हैं कि मतलब बच्चे ने प्रेशर ले लिया, बच्चे ने ऐसे उल्टे स्टेप उठा दिए। तो ये जो बच्चे जो लोग अपने स्टेटस डाल ले ना, वो जरा ये भी तो सोच लो यार, जिनके नंबर कम आए हैं उन्हें तुम्हारे स्टेटस देख के कैसा लगता होगा? अब जिनके नंबर अच्छे आए हैं उनकी लाइफ कैसे बर्बाद हुई, ये सब सोचना जानना चाह रहे होंगे। भाई जब हमारे नंबर अच्छे आ जाते हैं ना, हम एक्चुअली ना ये जो बोर्ड है या जो भी कुछ है, इसमें तैयारी लगभग सबके साथ सेम ही करते हैं, बट कुछ लोग उस टाइम पे परफॉर्म कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब जिनके नंबर अच्छे आ गए ना, वो अपने आप को ना पूरा बिल्कुल सबसे ऊपर मानने लग जाएंगे, हम राजा हैं, हर किसी को गंदी नजर देखेंगे। अपने बड़े बहन भाइयों को भी जिनके नंबर कम आए थे, ठीक है, उनको सोचेंगे कि अबे हमने ये कर दिया है, अबे हमने वो कर दिया है, अबे हमने ये कर दिया है। फिर उनका चाहे उन्हें कोई हिस्ट्री पसंद हो, ज्योग्राफी पसंद हो, कुछ पसंद हो, ठीक है, माँ बाप उन्हें फोर्स करके इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल ही दिला देंगे, ठीक है, उन्हें बोलेंगे कि बेटा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ो, बहुत आगे लाइफ में बहुत स्कोप है, इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल करके ही आप, अब देखो तुमने इतना अपने आपको प्रूव कर दिया है, इतना आप डिजर्विंग कैंडिडेट हो, तो अब आपको यही करना पड़ेगा, ठीक है। बच्चा भी कहेगा कि शायद मैं ऐसा हूं, ठीक है, बट जब क्या होगा, जब आगे जाके फिजिक्स साइंस जो अभी तक साइंस पढ़ी जा रही थी उसमें जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अलग हो जाती है ना, और मतलब अलग से जब अलग से सब्जेक्ट आते हैं, और जब तुम इतने बड़े टॉपर होते हो ना, तो क्या होता है, लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तुम मोहल्ले के सुपरस्टार होते हो, ठीक है, इवन लड़कियां, मतलब अगर लड़कियां हैं तो मतलब लोग तुमसे मोटिवेट होते हैं, ठीक है, गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं, बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है, हमें लगता है कि हम तो मेहनत कर ही लेते हैं, हम कुछ भी नहीं करते, ठीक है, हम कर लेंगे जो भी कुछ करना होगा, ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है ना वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में क्या होता है, 11th में पास होने के भी वांदे पड़ जाते हैं, ये सबने देखा है, ठीक, वो क्यों है, और ये गलती है केवल आप लोगों की। अरे इट इज जस्ट एन एग्जाम, जो इसका रिजल्ट आया है कोई बात नहीं, अगर हमारे बच्चे का रिजल्ट बेकार आया है तो क्या पता उसको कुश्ती में इंटरेस्ट हो, क्या पता उसे क्रिकेट में इंटरेस्ट हो, चाहे क्या पता वो अच्छा कर सकता हो, क्या पता वो कवि बन सकता हो, क्या पता कुछ, ये बातें बहुत कहने आसान होती है, हर कोई माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चे के लिए सिक्योर लाइफ हो, ठीक है, बट यार ये समझने वाली बात है कि सिक्योर नहीं, एक सक्सेसफुल लाइफ चाहिए,
ठीक है, हर कोई ये चीज के पीछे पड़ा हुआ है जिंदगी में कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी, सिक्योर नौकरी सिक्योर नौकरी। क्यों? क्योंकि वो काम भी नहीं करेगा ना तो भी उसकी नौकरी नहीं जाएगी। ये क्या कर रहे हो आप लोग है? कभी आपने देखा है कोई सरकारी नौकरी या फिर सिक्योर लाइफ वाला बंदा कुछ जिंदगी में कुछ बड़ा कर गया? मैं कहता हूं कि जो मतलब के दूसरी तरीके जो दूसरे तरफ के लोग होते हैं जिनकी नौकरी सरकारी नहीं होती है, मैं कहता हूं कि उनके भाई आराम इतना नहीं होता जिंदगी में, बट दे कैन मेक द डिफरेंस ओनली। ठीक है, वो मतलब वो ही लोग हैं जो कि कुछ कर सकते हैं। कभी सरकारी नौकरी वाला बंदा सेटिस्फाइड हो जाता है कि हाँ ठीक है, और ये जो बच्चे नंबर ज्यादा लाए ना ये भी मतलब क्या करेंगे, अब इन्हें लगने लग जाएगा हम तोपची हैं बहुत बड़े, और पट क्या होगा आगे लाइफ इन्हें दिखा देगी। और जिस दिन ये फेलियर का सामना करेंगे ना, उस दिन जब ये सपना टूटेगा ना जो आपने बना दिया है पूरे मोहल्ले में पड़ोस में हर जगह पे रिश्तेदारी में, तो उस दिन ये बच्चे उस सपने के साथ टूट जाएंगे। तो इतना ज्यादा हाइप मत क्रिएट कीजिए, किसी बच्चे को इतना ज्यादा नीचे मत गिराइए कि मतलब कि तेरे नंबर नहीं आए तो तू कुछ नहीं कर सकता और तेरे नंबर आ गए तो तू सब कुछ कर सकता है। भाई लाइफ हमेशा मेहनत डिजर्व करती है। आप किस पोजीशन में कर रहे हो, किस फील्ड में कर रहे हो, जिस बच्चे ने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत और फोकस से काम करा है उसके अच्छे नंबर आ गए, और जिसके नहीं जितने हल्का सा उसका कहीं पर भटक गया होगा कुछ भी, या फिर कोई सिनेरियो रहा उसका नहीं आया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे काम नहीं कर सकता। तो यार डुपिट बनना ना आप छोड़ो, ठीक है, आप बड़े हो गए हो अभी, मतलब कोई कुछ जवान लोग भी हैं जो कि अपने जो अभी कॉलेज में ही है, बस तुम्हें अपने दिन याद नहीं है क्या? क्या तुम्हारे साथ में सब कुछ सही हुआ है? तुम अपने जो स्टूडेंट जो अपने जो जूनियर्स हैं या फिर तुम्हारे छोटे बहन भाई उनके सामने क्या कर रहे हो? तुम वही चीज रिपीट कर रहे हो जो कि हमारे साथ में हुई है। ये मत करो प्लीज, इसको अवॉइड करो। जो पास हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत मुबारक हो, जो फेल हो गए हैं तुम्हें और भी बहुत बहुत मुबारक हो। भैया कुछ कर लो ढंग का जिंदगी में। हर कोई बंदा अगर पढ़ने लिखने कलेक्टर बनने ही चलेगा ना तो और भी दूसरे भी स्कोप है लाइफ में करने के लिए, वो करो जाके। और कुछ नहीं होता है, ये जस्ट एक एग्जाम है। बहुत सारे लोगों ने इसको फेल करने के बाद भी बहुत कुछ उखाड़ा है और तुम भी उखाड़ लोगे, आई नो। जय हिंद, डरने का नहीं है भाई, ये साथ में।